नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, इम्यूनिटी जिसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है, जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसे उतनी ही बाहरी बीमारियों से खतरा कम होता है। अपने आसपास हम हमेशा देखते हैं कि मौसम चेंज हो गया, तबीयत खराब हो गया, अधिक धूप में वर्क कर लिए या धूप से कहीं बाहर से आए तबीयत खराब हो गया, धूल से या बरसात में भीग गए तबीयत खराब हो गया। अधिकांशतः लोगों को बहुत ही जल्द तबीयत खराब होने की शिकायत मिलती है। ये सब खराब इम्यूनिटी के कारण ही होता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, बहुत सारे हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, किंतु दोस्तों आज के सेशन के जरिए हम आपको आपके अपने घर में मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे वर्क्स बताएंगे जिससे आप इस्तेमाल कर, जिसे आप फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना कि जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में रहिए इम्यूनिटी को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें डेली सुबह जग जाना है, सूर्योदय होने से पहले। जगने के बाद हमको डेली एक्सरसाइज करना है। डेली एक्सरसाइज में आप प्राणायाम कीजिए, सांस से रिलेटेड एक्सरसाइज कीजिए, जिसका जितना अधिक सांसों पे कंट्रोल हो जाएगा, ब्रीथ पे कंट्रोल हो जाएगा, जो अपने चेस्ट में जितनी अधिक ऑक्सीजन को भर सकता है, हवा को भर सकता है, उतना ही उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। जिसकी फेफड़ों में हवा खींचने की, हवा रोकने की जितनी शक्ति होती है उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें धूप में कम से कम आधा घंटा धूप का सेवन करना है, क्योंकि धूप से हमें, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में एक सहायक तत्व है। इसके अलावा घर में मौजूद मसाले हैं, जैसे दालचीनी हुआ, काली मिर्च हुआ, हल्दी हुआ, अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, लहसुन हुआ, इन सारे चीज़ों के द्वारा भी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद भी करती है। आपको सर्दी जुखाम हो गया, आप काली मिर्च यूज कीजिए, दालचीनी यूज कीजिए, हल्दी यूज कीजिए, अजवाइन का सत यूज कीजिए, लहसुन खाइए, देखिए सर्दी जुखाम तुरंत गायब हो जाएगा। कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि घर में हम उगाते हैं, जैसे तुलसी हुआ, तुलसी का पौधा, इसके द्वारा भी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फीवर हो गया या सर्दी जुखाम होने में हम तुलसी का पत्ते का कढ़ा यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने सर्दी जुखाम को दूर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी घर में मौजूद शहद है, नींबू है, दालचीनी है, काली मिर्च है, हल्दी है, दही है, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, और पानी वाले फल ज़रूर इस्तेमाल करें गर्मियों के मौसम में अधिकांशतः, ताकि हमारे शरीर में जो भी पानी की कमी होती है ये पानी वाले फल की मदद से वो कमी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप क्या करें और क्या ना करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में मौजूद ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही बेहतर साबित होंगी। आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में मौजूद दालचीनी मसाले, जो काली मिर्च हैं, हल्दी है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। सर्दी जुखाम होता है, आप जानते हैं कि हम काली मिर्च या दालचीनी या हल्दी इत्यादि का कढ़ा हम बनाकर पीते हैं, तो उससे हमारा सर्दी जुखाम सब ठीक हो जाता है। घर में मौजूद कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी है,
सर्दी जुखाम बुखार होने पर तुलसी का काढ़ा पीने पर हमारा इम्यूनिटी जो है वो बढ़ता है और सर्दी जुखाम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी है हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमें जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी ही हमारी बाह्य रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी मजबूत रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उसको कभी फीवर नहीं होगा, होता है, लेकिन वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने पे उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, फीवर से लड़ाई होता है और लड़ने के बाद वो सही हो जाता है। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।